channel and press the bell icon to get the latest updates. आखिरी पर्व का मतदान है, महागठबंधन बना है, आप लोग को सब तो पता ही होगा। उसमें देश प्रदेश के सभी बड़े दल छोटे दल एक आए हैं और भाजपा सरकार के विरोध में खड़े हुए हैं। साइकिल जो है वो अपना प्रत्याशी खड़ा किया है गाजीपुर के सीट से। हम उसी के लिए आपके सामने अपील करने आए हैं कि जब आप 1 जून को जाइएगा तब आप साइकिल का बटन दबाइएगा। देखिए, हम अपना मैनिफेस्टो अभी आगे करेंगे, अभी हम पढ़ रहे थे। तो जैसे भाजपा कहती है ना, भाजपा सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार योगी सरकार, अब की बार 400 पार, तो ये देशवासियों के लोग के लेके नहीं कर रही होती है। देशवासियों को कहीं नहीं दिख रहा होता है कि अब की बार इन लोग की सरकार ना, लेकिन हमारा मैनिफेस्टो कहता है अब की बार पीडीए सरकार। पीडीए क्या है? पीडीए एक लोकतांत्रिक संगठन है जहाँ पे सारे अल्पसंख्यक, दलित, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आकर के एक संगठन में बने। तो ये सरकार जो है ये आपकी सरकार, ये सरकार मोदी की सरकार नहीं, योगी की सरकार नहीं, ये सरकार आपकी सरकार है, आपकी आवाज है। तो जब आप 1 जून को वोट डालने जाएंगी तब आप अपनी सरकार और जब आपकी सरकार बनेगी तो वो आपके लिए काम करेगी, वो आपके हित के लिए काम करेगी। हम लोग के आजकल देश में क्या हो रहा है, टीवी वाले दिखा रहे हैं पाकिस्तान के, चीन के, नेपाल के, कोई ये ना दिखा रहा होता है कि गांव के माध्यमिक या प्राथमिक स्कूल की दशा क्या है, कोई ये नहीं दिखा रहा होता है कि गांव के अस्पताल में कितने डॉक्टर है, कितना ऑक्सीजन है, कितना बिस्तर है, कौन इलाज चल रहा है। असलियत कोई नहीं दिखा रहा होता, काहे लिए, काहे को पता है जमीन पे कुछ काम है। जमीनी सच्चाई आप जानते हैं, तो इसलिए जब 1 जून को जाइएगा तो आप अपनी सरकार बनाइएगा, मोदी सरकार नहीं बनाइएगा, भाजपा सरकार नहीं बनाइएगा, अपनी सरकार बनाइएगा जो आपके लिए काम करे, जो आपके हित में काम करे, जो नौजवानों को रोजगार दे। पर्चा भरो तो एग्जाम ना होए, एग्जाम होए तो जॉब ना होए। अरे कौने दिशा में अपना देश चले जा रहे, बोले रहे कि हमारे देश को वो विश्व गुरु बनाएंगे। ऐसे बनेगा विश्व गुरु जहाँ के महिला लोग सुरक्षित नहीं, जहाँ के युवा लोग बेरोजगारी में चल रहे हैं, जहाँ पे गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। तो ये सरकार को तो दे दिया ना 10 साल, 10 साल बहुत होता है। 10 साल में 14 साल का बच्चा 24 साल का हो जाएगा। तो इस बार जब आप वोट डालने जाइएगा तो महंगाई के खिलाफ वोट डालिएगा, इस बार जब वोट डालने जाइएगा तो जाति भेदभाव के खिलाफ वोट डालने जाइएगा, इस बार जब वोट डालने जाइएगा तो बेरोजगारी के खिलाफ वोट डालने जाइएगा। और ये सबका इलाज, सब महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जातिवाद, इस सब का इलाज आपका एक वोट। और आप एक वोट अपना जब साइकिल को देंगे तो समझ लीजिए वो इलाज शुरू हो गया, क्योंकि साइकिल जो है, महागठबंधन की जो सरकार है वो ये वादा करती है कि ये सरकार बनते ही 10 लाख युवाओं को सेना में भर्ती करेगी, ये वादा करती है कि बूढ़ी महिलाओं को पेंशन देगी, ये वादा करती है कि महिलाओं को केंद्र सरकार में, केंद्र विभाग में आरक्षण देगी, ये सरकार वादा करती है कि किसानों को का कर्ज माफ करेगी, उनको पेंशन देगी। मोदी सरकार की तरह नहीं कि जो किसान धरना पे बैठे हैं उनके पे लाठी चलवा दे। तो जब आप वोट देने जाइएगा सोच समझ करके साइकिल का बटन दबाइएगा। बस आप लोग से यही अपील है।